हेलो हाय वेलकम, मैं हूं माहिर। आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सिटी सेलिब्रिटी में, जहां पे मैं एक नया शो लेके आ रहा हूं जिसका नाम है ट्रेंड सेटर्स। तो गाइस, शुरू करने से पहले मैं बता दूं ये ट्रेंड सेटर्स है क्या। ट्रेंड सेटर्स एक ऐसा शो है जिसमें मैं सिटी की कुछ ऐसी पर्सनैलिटी के साथ आपको इंटरेक्ट कराऊंगा, आपको रूबरू कराऊंगा, जिन्होंने अपने ब्रांड और अपनी मेहनत से सिटी में एक नया ट्रेंड एस्टेब्लिश किया है। सो गाइस, इसीलिए मैं आ जाया हूं अमृतसर में MM मालविया रोड में मुकेश मेहरा जी के द माही शोरूम में। और दोस्तों, जहां तक बात होती है मेंस वेयर की, मैन फैशन की, तो माही शोरूम का नाम सबसे पहले आता है। तो गाइस, देर किस बात की, चलो चलते हैं, बात करते हैं मुकेश मेहरा जी से और जानते हैं क्यों है वो एक ट्रेंड सेटर और देखते हैं उनकी कलेक्शन। हमारे साथ जुड़ चुके हैं खुद मुकेश मेहरा जी, आज इतना फेमस नेम हो गया माही, जिसको देश विदेश में भी लोग जानते हैं। तो ये माही का ये एक जर्नी कैसे रही है? जब माही स्टार्ट किया तो नेचुरली कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स थे हमारे, हमारी कलेक्शन लोगों में अप्रूव की गई, हमारे डिज़ाइंस उस वक्त पंजाब में थे नहीं। मेरे को याद है कि माही से पहले भी जब हम लोग डिज़ाइन करते थे तो बॉम्बे से जो लोग यहाँ आते थे पंजाब वैसे ही घूमने या हमारे शोरूम पे हमारे को मिलने, इवन हमारे सप्लायर्स भी, तो वो भी हैरान होते थे कि यार पंजाब में ऐसी चीज़ें भी बनती हैं, ये तो बॉम्बे में भी नहीं चल रही हैं। तो नेचुरली वो हमारा एक स्टार्टिंग और टर्निंग पॉइंट था। हमें इंस्पायरेशन मिली इस चीज़ों से कि भाई हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो लोग हर जगह पर पसंद कर सकें। फिर हमने माही के अंदर ये कलेक्शन स्टार्ट कर दी और वेडिंग रिलेटेड कॉस्ट्यूम्स हमने डिज़ाइन करने शुरू कर दिए मेंस के, तो क्योंकि मेंस की ऑप्शंस कम रही हैं हमेशा ही। अब तो ये ऐसा कहा जा सकता है कि भी मेंस में डिज़ाइनर्स को कभी सीरियसली लिया ही नहीं गया, और हमने लोगों को बताया कि मेंस कॉस्ट्यूम के अंदर डिज़ाइनर्स की क्या अहमियत है और डिज़ाइन किए हुए कॉस्ट्यूम्स अब मेंस पहनते ही हैं, ग्रूम्स पहनते हैं स्पेशली, तो एक बिग थिंग है ये हमारे लिए भी। सर, हम जानना चाहेंगे कि एक जो सा पुराना ज़माना था 90s का और एक आज का ज़माना है, तो दोनों ज़माने में फैशन अलग अलग थे। जैसे पुराने टाइम पे बेल बॉटम का टाइप था, इस टाइम फिटिंग का एक ज़माना है, तो इन दोनों में फैशन में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? देखिए, डिफरेंस तो फैशन में रहता ही है हमेशा ही, और इनोवेशंस भी रहती हैं। उस वक़्त भी डिज़ाइनर्स काफ़ी मेहनत करते थे, जो उस वक़्त के रहे हैं डिज़ाइनर्स, तो मूवीज़ में आपने देखा कि काफ़ी प्रिंट शर्ट्स का फैशन था उस वक्त, डिफरेंट ब्रॉड कॉलर्स चलते थे। अब वो अभी जैसे इस साल फिर ब्रॉड कॉलर्स का फैशन आया है कोट्स के अंदर। बॉटम्स क्या है कि बॉटम हर बंदा अपने अकॉर्डिंगली पहनता है, फैशन तो वही बात आ गई कि विद कंफर्ट ही अच्छा है पहनना हमेशा ही। और आज की डेट में ये है कि लोगों के पास ऑप्शंस हैं काफ़ी फैशन को पहनने की, और अलग अलग टाइप से लोग अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, ये बड़ी बिग थिंग है। उस वक्त करवाते थे, आज लोग अपने आप भी सेंस रखते हैं कि कैसे उनको पहनना है। सर, अकॉर्डिंग टू यू फैशन की डेफिनेशन क्या होगी? फैशन की डेफिनेशन है कि व्हाट यू वांट टू लुक, आप क्या दिखना चाहते हैं अपने आप में, आप अपने आप को कैसे लेते हैं। आप अगर ग्रूम हैं तो नेचुरली आपके माइंड में कोई विज़न रहेगा कि आप शेरवानी पहने तो आप अपने आप को एक किंग की तरह फील करना चाहते हैं। अगर आप जोधपुरी पहनना चाहते हैं, एक रॉयल लुक लेना चाहते हैं। अगर आप फॉर्मल सूट पहनना चाहते हैं तो एक वेस्टर्न मॉडल्स को आप देख रहे हैं। तो फैशन इज़ ऑल अबाउट योर थाट कि आप कितना फैशन कैरी कर सकते हैं और आप क्या पहनना चाहते हैं और उस वक्त आप लगना क्या चाहते हैं, ये बड़ी चीज़ काउंट करती है। सर, आज के इस टफ कंपटीशन में जैसे अभी हर कोई फैशनेबल बनना चाहता है, हर कोई ट्रेंड में आना चाहता है, तो ऑब्वियसली बात है मार्केट में भी काफ़ी कंपटीशन बढ़ जाता है, तो इन सब में आप अपने आप को कैसे अलग रखते हैं और क्या आपकी USP है? देखिए, अलग तो हमें रखना ही है क्योंकि वी आर द लीडर्स, तो नेचुरली हमें अलग रखना ही है अपने आप को। पर इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग जैसे थॉट रखते हैं, आज हम जो भी आज जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो आज के लिए नहीं क्रिएट कर रहे हैं, आज जो हम क्रिएट कर चुके थे वो बेच रहे हैं, वो बना रहे हैं। हम आगे का भी प्लान रखते हैं कि आज से एक साल बाद क्या फैशन होना चाहिए, एक दो साल बाद क्या होना चाहिए, कलर थीम्स आज क्या चल रही हैं, आगे क्या चल रही हैं, तो ये सब ऑल अबाउट प्लानिंग। तो फैशन के अंदर तो इसके बगैर चल ही नहीं सकते सर। इसी के रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जब आप एक डिज़ाइन बनाते हैं, जब आपको कस्टमर के एक क्लाइंट का कॉल आता है, तो आपका क्या विजन रहता है कि मैं क्या उसको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी में? देखिए, हम पूरा होमवर्क करते हैं इसके ऊपर, हम क्लाइंट से उसका
पूरा फिजिकल मेजरमेंट्स उसकी समझते हैं कि वो क्या उसका स्टमक है कि नहीं है, हाइट क्या है उसकी और उसका प्रोफेशन क्या है सबसे पहले, और उसके इट इज़ इंडोर आउटडोर उसका अगर क्या फंक्शन जहाँ पे वो पहन रहा है वहाँ पे गैदरिंग कितना है, कैसा गैदरिंग है, जो इनवाइटीज़ हैं उनको किस हिसाब से वो बुला रहे हैं। ये नहीं कि भाई आप एथनिक पहन के बैठा है और ग्रूम और बाकी इनवाइटीज़ वेस्टर्न में आ रहे हैं, तो एक पूरा एक कल्चर क्रिएट करना पड़ता है, एक पूरा एक थीम क्रिएट करना पड़ता है सर फैशन के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है। सर प्लीज आप हमें एक बार ये पियानो बजा के दिखाएंगे, मतलब वी आर एक्साइटेड टू सी दिस थिंग्स। सर आप तो एक फैशन सेंस के साथ आपको म्यूजिक के भी सेंस लगता बहुत अच्छी है सर, आप बहुत अच्छा बजा लेते हो सर। नहीं मैं बजा नहीं लेता हूँ, मैं तो बस बैठा हूँ यहाँ पे, और बजाने के लिए माही पे बहुत सेलिब्रिटीज़ आए हैं यहाँ पे, हमारे इंडिया के फेमस म्यूजिशियंस ने यहाँ पे, ये वैसे हमारा सेल्फी काउंटर है बेसिकली, तो जब मेरे भी जब कुछ फिल्म्स की प्रमोशन के लिए या हमारे जो बॉलीवुड या बॉलीवुड के सिंगर्स वगैरह यहाँ आते हैं मेरे को मिलने आते हैं या माही की कलेक्शन के डिज़ाइंस लेने आते हैं अपनी शॉपिंग करने के लिए, तो वो लोग यहाँ पे बैठते हैं और तब उस वक्त यहाँ पे बहुत अच्छा एक माहौल बनता है। यहाँ पे आपने सुना होगा लखविंदर वडाली जी, सलीम मास्टर सलीम, और बॉम्बे से भी काफ़ी, मैं गिप्पी गरेवाल भी हैं, दिलजीत भी हैं, बहुत लोग यहाँ पे आके इस शोरूम पे आए हैं हमारे, और उन्होंने यहाँ पे कुछ अपने म्यूज़िक के आर्ट्स भी बहुत अच्छी तरह से यूज़ किए हैं, तो ये प्राउड मोमेंट रहती है उस वक्त जब ये लोग आते हैं, तो ये उसके लिए सेल्फी काउंटर है। सुहाली खान मुंबई से भी आ चुके हैं यहाँ पे, मेरे पास लिस्ट इतनी लंबी है मैं सबके नाम बोल ही नहीं पाऊँगा, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं। सर म्यूज़िक में आपका इंटरेस्ट है मतलब? नहीं मैं एक म्यूज़िक को अच्छी तरह से सुन सकता हूँ और सुनना चाहता हूँ, क्योंकि म्यूज़िक को लिखना बोलना ये एक अलग टाइप बहुत ऊँची बात है, वहाँ तक मैं कभी पहुँच ही नहीं सकता। अच्छा सर बताइए ये पियानो और ये ड्रम्स का एक कहते हैं एक शोरूम में मतलब इतना इनोवेटिव आइडिया ये आया कहाँ से आपके माइंड में? ये शोरूम बाय चांस मैंने आप ही डिज़ाइन किया है, तो ये आइडियाज़ तो माइंड में थे ही, कॉस्ट्यूम करते करते ये भी कर लिया बस एक बार डिज़ाइन, लेकिन जब हमारे यहाँ पे पहली किसी फिल्म की प्रमोशन हुई और उस वक्त जैसे कोई आर्टिस्ट आए यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि एक माहौल ऐसा होना चाहिए क्योंकि उनके साथ जुड़े होने की वजह से, तो फिर मैंने ये एक सिस्टम लाया और उसके बाद ये हमारा बेसिकली सेल्फी काउंटर बन गया, जितना भी हमारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं। और कई बार तो मेरे को हैरानगी होती है कि कोई बॉम्बे से पहली बार अगर यहाँ आया है या दिल्ली से आया है कुछ भी आते हैं, वो आके पूछते हैं भैया शोरूम के अंदर कि ये सेल्फ़ी काउंटर पहले लेके जाओ, हमने वहाँ पर सेल्फ़ी करवानी है, तो एक बड़ी मज़ेदार बात लगती है वाली। सर आपके इस एरिया में काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें लग रही हैं, तो सर क्या आप हमें एक एक करके चीज़ें दिखाएंगे कि ये बिल्कुल जी ये इतने सुंदर आर्किटेक्ट का ये आइडिया आया कहाँ से आपके माइंड में? सेल्फी काउंटर तो आपने देख लिया, उसके बाद ये हमारी शेरवानीज़ की कलेक्शन है सारी, इसके अंदर हमने काफ़ी एम्ब्रॉयडरीज पे वर्क किया है और फैब्रिक्स बहुत अच्छे अच्छे यूज़ किए हैं, और इसके अंदर काफ़ी ऐसे भी फैब्रिक्स हैं जिस पर हमें एम्ब्रॉयडरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसमें तो हल्का सा डिटेलिंग की है। बटन सारे ये बहुत बढ़िया मेटल्स के यूज़ किए गए हैं, तो इस टाइप की काफ़ी एक्सेसरीज हमारे पास रहती है, और मेनली क्या है कि ऑल अबाउट इनोवेशंस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, ग्रूम की जो भी रिक्वायरमेंट है ये उसके अकॉर्डिंगली। ये हमारा लॉन्च बना है, तो इसमें ये हमने एक ओल्ड स्टाइल का एक क्लॉक रखा है यहाँ पे, ओल्ड टेलीफोन भी रखा है यहाँ पे, तो क्लाइंट्स यहाँ पे आके अपना एक तरह से शूट भी सेल अपना एक शूट कर लेते हैं यहाँ पे, और हमारा कलेक्शन उनको पसंद आता है लेके भी जाते हैं वो लोग। ये सर ये पिंक टाइप का पर्पल ये जोन सा पेंट और ये जोन सा सारा हो, देखिए इट इज़ ऑल अबाउट यू नो द वेडिंग्स, तो वेडिंग्स में आपको पता है कि पिंक का एक रोल है, पिंक टर्बन बांधते हैं लोग, पिंक साफा बांधते हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो ऑल अबाउट वेडिंग रिलेटेड, तो इसी टाइप से ही है ये सारा कि इनोवेशन। और ये मंत्र भी लिखा है यहाँ पे, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा,
मीन्स के भी अगर किसी के घर में शादी है तो उसमें मतलब बहुत अच्छा माहौल बने, कोई विघ्न नहीं आए, उनके कार्य अच्छे हों, तो ये एक तरह से हमारी तरफ से ब्लेसिंग्स भी हैं अपने क्लाइंट्स को कि भाई उनको उनके इवेंट्स बहुत अच्छे जाने चाहिए। और इसके अलावा हमने यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा बार भी बनाया है, छोटा सा, लेकिन इसको लीकर बार नहीं है बेसिकली ये, तो यहाँ पे हमने दिया है कि भी क्लब फील भी दिया है यहाँ पे वेस्टर्न के साथ, अपने इंडियन के साथ वेस्टर्न कल्चर को भी थोड़ा सा जोड़ा है कि थोड़ा सा लोगों को लगे कि भाई फील लगे कि ये नहीं कि सारा ही बहुत एथनिक सा कर दिया इन्होंने, तो इस टाइप से कुछ चीज़ें और एड ऑन की गई हैं इसके अंदर। और ये हमारा बेस्ट पॉइंट यहाँ पे है हमारा ये काउंटर। मैं आपने फीमेल्स के अंदर वीमेंस में तो आपने देखा ही है कि काफ़ी चीज़ें फैब्रिक्स में प्ले की जाती हैं, लेकिन हमने जो इनोवेशन दी है जैसे ऑल अबाउट सिल्क, दिस इज़ द सिल्क जोन ऑफ माही, तो यू विल सी द लॉट ऑफ शेड्स फॉर शेरवानीज एंड कुर्ता पजामाज, एंड देन वी आर प्लेइंग विद द ब्रोकेड्स, लॉट ऑफ थिंग्स फैब्रिक्स जो ब्रोकेड्स के हमने यूज़ किए हैं इसके अंदर, तो ये आमतौर पर मेंस कलेक्शन में पहले नहीं मिलते थे, तो अभी ये हम लोगों ने काफ़ी देर से इंट्रोड्यूस किए हैं, तो इसमें यू कैन सी इफ़ यू वांट द पेस्टल्स, यू वांट द ब्राइड, एनीथिंग यू वांट, तो दैट इज़ अवेलेबल एट माही। सर, हमने जैसे सुना है कि आपने बहुत ही कम समय में एक माही का बहुत अच्छा ब्रांड और काफ़ी अच्छा नाम बना लिया, इसके पीछे क्या मंत्र था? देखिए, एक ये थोड़ा सा कहना गलत है कि कम समय में, बहुत मेहनत लगती है, मैं भी 1986-87 से इस ट्रेड में हूँ, तो इतना इजी नहीं रहता है, लेकिन ये है कि ठीक है, एक शौक था, एक माइंड में विज़न था कि भी इस टाइप का होना चाहिए, तो टाइम लगा है, मेरे काम के पीछे भी तकरीबन 30-35 साल का एक्सपीरियंस है इसके इस लेवल पे लाने के लिए। लेकिन हाँ, माही हमने जब स्टार्ट किया आज से तकरीबन 15-20 साल पहले, तो माही नाम ही इतना प्यारा है कि शायद लोगों ने एक्सेप्ट किया इसको, और बीइंग एज ए बॉलीवुड एंड पॉलीवुड डिज़ाइनर, ये ब्रांड बहुत जल्दी लोगों में पॉपुलर हो गया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस ब्रांड को सिर्फ अमृतसर लेवल या पंजाब लेवल पे नहीं लोगों ने एक्सेप्ट किया, इंटरनेशनल लेवल पे भी किया है। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग 2-3 साल पहले इंटरनेशनल पंजाबी फिल्म अवार्ड्स हुए मेलबॉर्न में ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो वहाँ पर मेरे को स्पेशल बुलाया गया टू गिव अवार्ड, तो वहाँ से मैं अवार्ड लेके आया टू सपोर्ट इंडियन पंजाबी मूवीज़, और वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, क्राउन है बहुत बढ़िया जगह वहाँ पे, क्राउन कम्युनिटी सेंटर, वहाँ पे उन्होंने अवार्ड दिया, और वहाँ पे उस वक्त ऑस्ट्रेलिया मेलबॉर्न के जो MLAs, MPs या और भी ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस थे वो सब बैठे थे, खचा का जॉल भरा था, और वहाँ पे जब आप अवार्ड लेने जाते हो तो एक बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब इंटरनेशनल लेवल पर हम अवार्ड लेते हैं तो उस वक्त जब वो बोलते हैं ना कि माही मुकेश मेरा फ्रॉम अमृतसर, तो एक छाती फूल जाती है और बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पंजाब का और मेरे अमृतसर का नाम भी आ रहा है उसके अंदर। सर, आपने हमारे क्वेश्चन का खुद ही आंसर दे दिया, हम आपसे पूछने वाले थे कि माही नाम कैसे पड़ा। माही, देखिए, माही मीन्स बिलव पर्सन, जो आप जिसको आप पसंद करते हैं, अच्छा लगता है, आपका जिंद माही भी सुना होगा आपने, तो माही है इसी टाइप से, तो ये इट इज़ ऑल अबाउट यू नो ब्राइड एंड ग्रूम्स लव वंस, तो माही एक बहुत प्यारा पंजाबी वर्ड है, आपने बहुत से गाने सुने होंगे माही के ऊपर भी, तो जैसे वो जब गाने चलते हैं तो जब लोग मेरे को मेरे लिए तालियां बजा देते हैं कि माही यहीं खड़ा है और ये गाना भी चल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है माही के नाम से। सर, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि मतलब आपकी क्या खास अचीवमेंट्स रही हैं कि जो आपको अभी तक याद है कि नहीं, हाँ, ये दिस इज़ इट। देखिए, एक तो मैं आपको ऑस्ट्रेलिया का बता ही चुका हूँ कि क्राउन के अंदर इतना बड़ा अवार्ड, पंजाबी फिल्म अवार्ड, पंजाबी फिल्म स्टार्स वहाँ पे थे, हिंदी के भी थे, और वहाँ पे अवार्ड मिला। उसके बाद कैंस फिल्म फेस्टिवल में भी हम लोग गए, वहाँ पे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का, और उसके बाद हमने यूरोपियन मॉडल्स के साथ, मिस्टर जर्मन के साथ को अपॉइंट किया माही के साथ, वो माही के लिए शूट करें, और उन्होंने किया हमारे लिए, हमारी कुछ एड्स में मिस्टर जर्मन का भी आप पोस्टर्स देखेंगे, उनके भी शूट्स देखेंगे। इसके बाद मेनली जो चीज़ है माही में, हमने तकरीबन 100-150 टीवी चैनल्स के लिए शो किए हैं, जिसके अंदर PTC चैनल के लिए किया है, MH1 के लिए किया है,
और जी पंजाबी वगैरह के लिए किए, तो इस टाइप से काफ़ी चैनल्स के लिए हमने शो किए हैं और वो एक बहुत अचीवमेंट है। मेरे को नहीं लगता कि आज तक नॉर्थ इंडिया में किसी ने इतना किया हो। अपार्ट फ्रॉम दिस तकरीबन 25 से 30 मूवीज़ के लिए कॉस्ट्यूम कर चुके हैं, हिंदी एंड पंजाबी, ज़्यादा ही होंगी, कई बार तो हमें याद भी नहीं रहती हैं। तो इतनी मूवीज़ के लिए किया है, जबकि मेरे ख्याल से पंजाब का तो कोई ब्रांड यहाँ तक अभी तक पहुँचा नहीं है। शायद दिल्ली के भी कुछ लोगों ने इतनी मूवीज़ नहीं की होंगी, बॉम्बे के डिज़ाइनर्स ने शायद की हों। अपार्ट फ्रॉम दिस द बिग थिंग इज़ कि जो जो भी हमने मूवीज़ की हैं वो मूवीज़ हम लेने नहीं गए किसी के पास कॉस्ट्यूम करने के लिए, वो सब हमारे पास आए कि भाई पंजाब में मूवी कर रहे हैं शूट तो माही को मिलना ही चाहिए। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ लोगों के कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन करते हैं, बॉम्बे से बिंदु दारा सिंह हैं और गैवी चहल हैं, एकता टाइगर में आपने देखा होगा उनको, विपुल रॉय, बहुत अच्छे अच्छे लोग बॉम्बे में ऐसे हैं जो कि स्पेशली डिज़ाइन करवाने के लिए कॉल्स करते हैं या वो यहाँ आ जाते हैं हम लोगों को मिलने के लिए। कि आप क्या ऐसी चीज़ें डालते हैं कि आपके ये कॉस्ट्यूम्स एक ऐसा यूनिक स्टाइल ले लेते हैं जो हर कोई पहनना चाहता है? देखिए क्या होता है कि हम लोग जो फैब्रिक्स बाय करते हैं, ये जब बाय करते हैं तो उसी वक्त माइंड में होता है इसका बनाना क्या है और ये ग्रूम के लिए है कि ये फॉर्मल है, तो वो वहीं से ही ग्रास रूट लेवल से ही कॉस्ट्यूम का एक तरह से डिज़ाइन माइंड में होता है बिफोर बाइंग द क्लोथ्स। जैसे हमने ये फैब्रिक लिया तो पता है कि ये शेरवानी बनेगी या इसका क्या बनेगा, कहाँ पे करना है। लेकिन एक और चीज़ बता दूँ, हम किसी भी फैब्रिक को किसी भी पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई ये अगर शेरवानी के लिए लिया गया तो इसका जोधपुरी नहीं बन सकता या इसका कुछ और कॉस्ट्यूम नहीं बन सकता। इट इज़ ऑल अबाउट स्केच एंड द थॉट व्हाट इज़ गोइंग इन आवर माइंड। तो आप कहना चाहते हैं कि आप पहले स्केचिंग करते हैं कि मतलब? हाँ, स्केचिंग भी करते हैं, बिल्कुल डिपेंड करता है। कई बार क्लाइंट्स की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं कि वो उसको पता ही नहीं है कि करना क्या है, फिर हम उसको थोड़ा सा स्केच भी ड्रॉ करके डिज़ाइन कर देते हैं कि भाई यहाँ पे ये होगा, ये इस टाइप से बनाएंगे, तो ये सब इसी का पार्ट है डिज़ाइनिंग का ही। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि लाइक अबाउट हमें क्या अप टू डेट रहने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं तो यही बोलूँगा कि फैशन इज़ ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ फैशन पहने। लेकिन सीधी सी बात है कि आप जिस प्रोफेशन में हैं या जिस टाइप से आप कंफर्ट है, तो फैशन विद कंफर्ट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड। गाइज आई रियली होप दैट यू आर लाइक द वीडियो, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और हमारे YouTube चैनल सिटी सेलिब्रिटी को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपकी सिटी में भी हैं कोई ऐसे ट्रेंड सेटर्स तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। आई विल कम देयर एंड मेक अ वीडियो। तब तक के लिए मैं लेता हूँ अलविदा और मिलता हूँ अगली बार किसी और नए ट्रेंड सेटर के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी सेलिब्रिटी, फील एमिनेंट। Subscribe City Celebrities YouTube channel and get a chance to win Samsung Galaxy M20 smartphone. Follow us on Instagram to win Redmi 7A smartphone and also like us on Facebook page to win Nokia 2.1 smartphone. Send us your screenshots to 9646803875 along with your name and mobile number. City Celebrity, feel eminent.